हेलो डियर स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पे। तो अभी तक हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं मैथ्स में एक्सरसाइज 10.1 क्लास 6। तो अभी जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी कौन सा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग, एक डोरी की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। What will be the length of each side if the string is used to form a square? अगर हम उस स्ट्रिंग को एक स्क्वायर के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका लेंथ कितना होगा? प्रत्येक लेंथ मतलब ईच लेंथ, ओके। फिर इक्विलेटरल अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं उससे तब उसका कितना होगा? और रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कितना होता है, कितने साइड होते हैं? सिक्स साइड होता है। बहुत अच्छा, यानी कि रेगुलर हेक्सागोन सिक्स साइड। तो ध्यान दीजिएगा जरा, पेरिमीटर ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड ऑफ टू फॉर्म अ स्क्वायर। क्या बनाने के लिए? स्क्वायर बनाने के लिए। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, एक मैं आपको एक डोरी का एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, ये डोरी है 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर से आप स्क्वायर बनाइए या ट्राइंगल बनाइए डिजाइन बना बना के, या फिर आप हेक्सागोन बनाइए, हेप्टागोन बनाइए, कोई भी बनाइएगा शेप, उसके पेरीमीटर क्या होंगे? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इस डोरी का लेंथ 30 सेंटीमीटर है। स्क्वायर बनाइएगा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 30 सेंटीमीटर होगा। ट्राइंगल बनाइएगा तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर। हेप्टागोन, पेरीमीटर ऑफ हेप्टागोन 30 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर जो है वो बदलने वाला नहीं है। पेरीमीटर नहीं बदलने वाला है। क्या नहीं बदलने वाला है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कभी भी नहीं बदलेगा। पेरीमीटर नहीं बदलेगा ना, गुड। तो पेरीमीटर, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमने धागा या डोरी लिया और उसका जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड If the string is used to form a square, अगर हम उस string का use करते हैं square के form में तो उसका length क्या होगा? Okay, तो simple हम लिखेंगे perimeter of a square, side बताना है हमें कि अगर हम उस डोरी से square बनाते हैं तो उस square का side क्या होगा? तो लिखिए perimeter of square, formula क्या होता है square का? 4 into side, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। लिख दिए, यहां पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 जो है साइड से मल्टीप्लाई करेगा तो दूसरी तरफ जाके वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 30 अपॉन 4। अब इसको कट करेंगे, देखिए कैसे कट कर रहे हैं, यहीं पर सीखिएगा। 4 7 28 बचेगा यहां 2, डेसिमल लगा देंगे, 2 और 0 मिलके क्या हो जाएगा? 20। 2 और 0 मिलके क्या हो जाएगा? 20। 4 5 20 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर यानी जो उस स्ट्रिंग से स्क्वायर बनेगा तो उसका साइड कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर। कितना होगा जी? 7.5 सेंटीमीटर। इसे राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, पहले वाले से हमने एक स्क्वायर बनाया, मतलब उस 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से हमने क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। अब हम बनाएंगे ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे यहां पे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? 3 इंटू साइड। क्या होगा? 3 इंटू साइड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड। तो यहां हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू साइड। ये पेरीमीटर कितना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? 30, क्योंकि डोरी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर फॉर्मूला लिख देते हैं 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। 3 इंटू साइड, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू
थर्टी अपॉन थ्री, अब ये थ्री डिवाइड करेगा, थ्री टेन जा थर्टी, यानी कि हो गया 10 सेंटीमीटर आंसर आपका। ये 11 का बी पार्ट भी बन चुका है, अब 11 का हम सी पार्ट बनाएंगे। अच्छा इसे राइट कर लीजिए, अब हम 11 का सी पार्ट बनाएंगे, अरेगुलर हेक्सागोन, यहां पे लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा बताइए जी, 6 इंटू साइड होगा ना, बहुत अच्छा गुड, 6 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू साइड होगा। एक तरफ आप लिख दो 30 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ लिख दो 6 इंटू साइड, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 30 अपॉन 6। अब 6 से कट करेंगे, 6 फाइव जा 30, यानी साइड का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। जब भी कोई नंबर अगर इधर मल्टीप्लाई करता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, यहां हेक्सागोन का जो पेरीमीटर था 30 सेंटीमीटर था, 6 जो है मल्टीप्लाई कर रहा था साइड से, अब दूसरे तरफ जाकर वो डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया 6 5 30, 5 सेंटीमीटर आ गया, कहीं कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को लिखिए और अभी कॉपी बंद मत कीजिए, अभी पढ़ना है, जल्दी से लिखिए। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन जरा एक बार आप लोग खुद से देखिए, लोग क्या लिखा हुआ है ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में, कहता है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल दिया हुआ है, अच्छा यहां पे फिगर बना दे, एक ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा इक्वेटेड ट्राइंगल बन चुका है लगता है, खैर कोई बात नहीं, हमें समझना है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एक 12 है और एक 14 सेंटीमीटर है, राइट, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, तीनों साइड को हम जब प्लस कर देंगे तो वो ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, राइट, इस तीनों साइड को प्लस करेंगे तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि एक है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड दिया नहीं है, थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है। तो टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड्स, इसके थर्ड साइड्स क्या होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, राइट, चलिए लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल लिख दिए। अब वहां पे फर्स्ट साइड सम ऑफ ऑल साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारे साइड्स का सम कर लेंगे, मतलब ये और ये तीनों साइड को सम करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो जिसमें से एक साइड जो है 12 है, 12 सेंटीमीटर, दूसरा साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड हमें पता नहीं है, यही फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है जी, 36 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 36 सेंटीमीटर। यहां देखिए थर्ड साइड फाइंड आपको करना है, ये थर्ड साइड क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, बताना है कि थर्ड साइड कितना होगा। आप क्या कीजिएगा जरा बताइए, तो पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 12 और 14 को प्लस कीजिए, 4 2 6 1 1 2, 26 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर प्लस। अब थर्ड साइड जो है हमारा वो क्या है, थर्ड साइड क्या है नहीं कुछ पता, थर्ड साइड हमें निकालना ही है, थर्ड साइड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पे हम लिख देंगे 36 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा ये 26 प्लस कर रहा है थर्ड साइड से, तो जब इधर प्लस कर रहा है तो दूसरे तरफ जाके वो क्या करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा, माइनस करेगा।
Therefore, third side is equal to 36 minus 26 is equal to 10 centimeter. ये हमारा आंसर हो गया. क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया. ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर है. आया बस हमने थर्ड साइड हम कैसे निकाले, थर्ड साइड हमारा क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा. इसे राइट कर लीजिए कॉपी में. हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? 13 नंबर को. राइट, 13. ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर. मतलब एक स्क्वायर पार्क है, उस स्क्वायर पार्क का क्या करना है? फेंसिंग करना है. और साइड जो है वो कितना दिया हुआ है? 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर, 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर. देखिए एक स्क्वायर फिगर से समझते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए. ये स्क्वायर है, अच्छा ये स्क्वायर हो गया. इस स्क्वायर के जो प्रत्येक साइड है वो कितने हैं? 20 मीटर है, 20 है ना, 250 मीटर. ये जो स्क्वायर पार्क है उसका प्रत्येक साइड जो है 250 मीटर है. अच्छा, तो 250 मीटर स्क्वायर पार्क का साइड है, उस स्क्वायर पार्क को आपको क्या करना है? फेंसिंग कराना है. जब भी फेंसिंग का बात है इसका मतलब समझ लीजिए कि बाउंड्री करवाना है. उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करना पड़ेगा? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ. नहीं पता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए. बोल ही नहीं रहे. 4 into side, क्या बात है, आप उस समय से बोल रहे हो, मुझे पता ही नहीं था, मैं लिखने में मग्न था. यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? 4 into side होता है. क्या होता है फॉर्मूला? 4 into side. अब आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 into side फॉर्मूला है. जो स्क्वायर पार्क है उसका साइड है 250 मीटर, साइड है 250 मीटर. आपको पहले पेरीमीटर निकालना होगा तभी फेंसिंग का रेट बता सकते हो कि उसका फेंसिंग का रेट क्या होगा. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 into side, यानी कि अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4 into 250 मतलब 1000 मीटर. स्क्वायर पार्क का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 1000 मीटर. कितना होगा जल्दी बताइए? 1000 मीटर. अब उसका कॉस्ट जो है कितना? 20 रुपीज पर मीटर. मतलब एक मीटर अगर आप फेंसिंग आप करते हैं तो उसका चार्ज देना पड़ेगा 20 रुपया. तो यहां तो आपका 1000 मीटर फेंसिंग कराना है, 1000 मीटर फेंसिंग कराना, तो उसका तो खर्च बढ़ जाएगा ना. तो अब लिखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग का कॉस्ट क्या है जल्दी बताइए? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ अ पार्क, 1 मीटर ऑफ अ पार्क. 1 मीटर पार्क का फेंसिंग का कॉस्ट क्या है? 20 रुपीज. 20 रुपीज है कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ अ पार्क, 20 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना? 1000 मीटर हो जाएगा ना जी. यहां 1 मीटर पार्क फेंसिंग कर रहा है तो 20 रुपीज ले रहा है. तो अब इसको सिंपल ले लीजिए ना इसका एक अच्छा स्टेटमेंट. द रेट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ पार्क, यानी पार्क का फेंसिंग का रेट क्या होगा? पार्क के फेंसिंग का रेट क्या होगा? यानी कि द रेट ऑफ अ फेंसिंग ऑफ अ पार्क इज इक्वल टू 1000. तो उसका पेरीमीटर है तो 1000 मल्टीप्लाई 20
यानी फाइनल 20,000 रुपया लेकर आइए। ये फेंसिंग का ये आपका रेट है, यही रेट है, कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज। कितना होगा 20,000 रुपीज, कहीं कोई दिक्कत किसी भी बात का नहीं है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर दीजिए, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।